पटना साहिब महोत्सव बेसब्री से लोग का इंतजार रहता है, इस बार का क्या है? देखिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, एस एस आई टू में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त मैं सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। तमाम सिख संगत लोग आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। लोगों का इंतजार रहता है, सिख समाज का, सिख संगतों का। पटना साहिब महोत्सव, वैसे जब देखा जाता है तो पटना साहिब महोत्सव 14 और 15 अप्रैल को पूरे धूमधाम से देश के बड़े बड़े गायक कलाकार लोग आते हैं और अपना फनकारों के साथ में झूमने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इस बार जो है 14 और 15 अप्रैल को, चूँकि आचार संहिता है और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ कह रहे हैं प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोई जी, सीधे चलते हैं उनकी बात को सुनते हैं। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पटना साहिब महोत्सव बेसब्री से लोग का इंतजार रहता है, इस बार का क्या है? देखिए, हमारी कल ही टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं विनय कुमार राय जी से, उनसे भी बात हुई है। तो विनय कुमार जी ने टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से DM पटना को अनुमति दे दी है, और लेकिन एक शर्त लगा दी है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन का नोटिफिकेशन आपको मालूम है हो गया है। और हम लोगों ने जो पत्र लिखा था उसमें हम लोगों ने कलाकारों की भी विनती की थी, तो दो कलाकार हैं जिस पर विचार चल रहा था, एक गुरदास मान जी हैं, एक रंजीत बाबा जी हैं, और उसके अलावा लोकल जो बिहार के अन्य कलाकार हैं, क्योंकि दो दिन का ये प्रोग्राम होता है। तो आज कल भी हमारी DM साहब से मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन टेलीफोन से बात हुई थी। तो आज और कल में ये निर्णय हो जाएगा कि प्रोग्राम 14-15 को होना है या इसको पोस्टपोन किया जाएगा, तो उस पर अभी विचार चल रहा है। फाइल DM साहब के पास में है, टूरिज़्म ने इसकी अनुमति दे दी है प्रोग्राम होने के लिए, बस यही कहा है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान दिया जाए। यह स्थान सर, ये स्थान जो पटना सिटी जो स्कूल है अपना मंगल तालाब के पास, वहीं पर इसका चयन किया गया है। 14-15 अप्रैल अभी तक यही है, लेकिन अगर कुछ ऐसा चेंजिंग हुआ तो आपको उसकी खबर की जाएगी, और अगर प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ उसकी भी हम आपको खबर कर दिया जाएगा। इतना तय है कि लोग आने वाले हैं, लोग तो हावी भर दिए क्या? देखिए, ये टेंडर होता है, इसमें एक ये इवेंट, ये कोई मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट जो बोलते हैं उसकी कंपनी है, उसको इन्होंने टेंडर दिया है और वो आगे नेगोशिएट करते हैं कलाकारों के साथ। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि गुरदास मान जी का और कोई रंजीत बाबा जी हैं, उनका चयन फाइनल हुआ है। अब चूंकि अगर प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाता है तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से उसको टेंडर रीशेड्यूल करना पड़ेगा, तो ये अभी तक का स्टेटस है। ये थे प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी, ने भी बतला दिए हैं कि पटना साहिब महोत्सव 14 और 15 अप्रैल को आयोजन होना है। पर्यटक विभाग से भी हरी झंडी मिल चुकी है, सिर्फ पटना DM का इंतजार है, आदेश है। जैसी आदेश हरी झंडी मिलती है वैसी कार्यक्रम की तैयारी में लग जाएंगे। वैसे इस बार सुप्रसिद्ध गायक गुरदास मान और भी नामचीन हस्तियों का आने का यहाँ पर संभावना बनी हुई है। पटना सिटी स्कूल विद्यालय का जो मैदान है वहीं कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। अब इंतजार किया जा रहा है DM का आदेश का, अगर तमाम तरह की अटकलें को समाप्त कर वो आदेश देते हैं तो फिर एक बार बड़े धूमधाम से पटना साहिब और खासकर जो सिख संगत यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी लुत्फ़ उठाएंगे। SSI2 आप देखते रहिए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।